हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फिर स्वागत है आपका इस सुंदर सी मॉर्निंग में और मेरे इस नए ब्लॉग में। अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, तो आज से आपको शहरी ब्लॉग देखने को मिलेंगे और मैं आज पहाड़ों से शहर की ओर जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ देहरादून, और क्यों जा रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। बीएड भी कम्प्लीट हो चुका है और फाइनली सब कुछ हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोचिंग लगा लूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ देहरादून, और मेरे गांव से लेकर देहरादून के बीच का जो भी सफर रहेगा और जो भी सुंदर नज़ारे रहेंगे वो आपको आज की ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। और होप आज की वीडियो बहुत ही सुंदर होगी और बहुत ही अच्छी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना और वीडियो में बने रहें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फिर से स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में, और बहुत ही लंबे टाइम बाद ब्लॉग देखने को मिल रहा होगा आपको। तो इसका भी रीज़न है, आजकल ऐसे भी था और फाइनली मैं आ चुका हूँ देहरादून में। करनपुर में मेरा रूम है और यहाँ से मैं कोचिंग कर रहा हूँ, जो कि बीएड कंप्लीट हो चुका है। तो खाली घर में क्या रहना था, तो हम निकल आए करनपुर में, और कोचिंग सेंटर यही है। और अब आपको पहाड़ी ब्लॉग छोड़ के शहरी ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और बहुत लंबे टाइम से ब्लॉग नहीं बन पाया, पर अब आपको शायद रेगुलर या ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो शहरी ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, और अभी मैं रूम पे हूँ, तो शाम को जाएंगे घूमने के लिए, तो आपको बताऊँगा देहरादून का सुंदर नज़ारा। कुछ इस प्रकार से मेरा रूम है, सिंगल रूम है, छोटा सा पंखा है, और यहाँ पे नीचे पे खाने बनाने के लिए है, क्योंकि टेबल बिल्कुल मिला के ये नहीं बन रहा रैक, और दो रैक यहाँ पे है और दो यहाँ पे, और ये है मेरा बिस्तर और ये दरवाज़ा। तो बाहर का नज़ारा तो मैं आपको शामी को बताऊंगा, बाकी मैंने रूम आपको बता दिया है, अभी भी सामान ऐसे बिखरा हुआ है। अभी शाम हो चुकी है और मैं आ रखा हूँ करनपुर मार्केट में थोड़ा पैसे निकालने दे, और बाकी ये है करनपुर का नज़ारा। जस्ट अभी मैं मार्केट से आया, और बाकी आपने करनपुर थोड़ा देख लिया होगा कैसा है, बाकी मॉर्निंग में बताऊंगा करनपुर का नज़ारा। और अभी खाना खुना बनाते हैं, और उसके बाद थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई करेंगे जिस काम के लिए यहाँ रखे हैं। तो चलिए आप बने रहें ब्लॉग में, अभी थोड़ा बना खाना खुना बनाते हैं, बाकी मिलते हैं आपको। इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फिर से स्वागत है आपका देहरादून के करनपुर साइड से, और नाश्ता नाश्ता भी हो चुका है और आज कोचिंग की छुट्टी है। तो अभी थोड़ा मुझे कपड़े धोने हैं, तो मैंने कपड़े निकाल दिया है और इनको भिगाएंगे और इनको धोते हैं, और फिर आगे का देते हैं क्या क्या होता है, तो आप भी ब्लॉग में बने रहें। और अभी मैंने कपड़े भी धो दिए हैं और इनको सुखाने के लिए यहाँ पे रख लिया है, आप देख सकते हो। और बाकी मॉर्निंग में करनपुर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और कोचिंग के लिए फेमस है देहरादून का ये करनपुर साइट। तो ये आप देख सकते हो, करनपुर बहुत ही घना है।
सो दोस्तों अभी अंधेरा हो चुका है और बाहर बहुत ही गर्मी हो रही है, तो अंदर भी थोड़ा राहत है। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी अपडेट देना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ हूँ। तो बस कल से आपको शायद अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और आज की अपडेट और इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, सो आज की ब्लॉग को यहीं पर कम्प्लीट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग।